हम बात करें रियल गैस की, तो आइडियल गैस से और रियल गैस से हमारा क्या डिफरेंस था? आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, ये नहीं करती है बस। आइडियल हर चीज आइडियल होती है, जो आपने रूल बना दिया उसको फॉलो करती है तो वो आइडियल है, और नहीं करती है तो वो रियल है। मैंने तुमसे कहा जाके 10 घंटे पढ़ाई करो, 24 आवर्स पढ़ाई करो, क्या 24 आवर्स पॉसिबल है? नहीं है। तो आइडियल है 24 के, हाँ बिल्कुल पढ़ने बैठ गए हम 10 24, नहीं पढ़ सकते हम तो। चलो 24 तो बहुत दूर की बात है, 10 आवर्स भी कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन बोली जा सकती है, हाँ कि यार वो तो पूरे दिन रात मेहनत कर रहा है तो ये आइडियल है, लेकिन रियल में नहीं होता है। तो अब बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है आइडियल को समझने के लिए कि आइडियल के लिए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी था, रियल के लिए हम क्या करें कि हमारे पास रियल वाले क्वेश्चन भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रेशर टेम्परेचर मोल दे दिया जाए और हमसे वॉल्यूम पूछा जाए तो हम बता सकें। पहले बता देते थे क्योंकि पहले हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते थे, लेकिन अब नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि हमें बोला जा रहा है रियल गैस, तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जो रियल गैस को बता सके। तो अब हो क्या रहा है कि जब कोई रियल चीज होती है ना तो उसमें एजम्पशन बहुत सारे होते हैं, तो हर साइंटिस्ट अपना एजम्पशन लेके चलता है, अपनी थ्योरी बना के चलता है और आंसर देने की कोशिश करता है। तो पर्टिकुलर किसी गैस के लिए तो वो बहुत सही आंसर निकल जाता है, लेकिन हर गैस के लिए निकले जरूरी नहीं है। तो फिर यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ साइंटिस्ट नंबर ऑफ थ्योरीज आ जाती है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरी ली गई है, वांडरवाल गैस इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस, लेकिन उसके अलावा भी इक्वेशंस होती है जो गैस इक्वेशंस के लिए लगती है। तो हम आज जो पढ़ने जाएंगे वो वांडरवाल गैस इक्वेशंस ही पढ़ेंगे, और हम ये मानेंगे कि वांडरवाल गैस इक्वेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मानना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए कि हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं और एजम्पशन की वजह से हमारे एरर फिर भी बनी रहेगी, अब और एरर बनी रहेगी तो बनने दो। अच्छा चलिए एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि गैस रियल है तभी उसे रियल मानेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम पीवी इक्वल टू एनआरटी हर गैस के लिए लगाएंगे। दूसरी चीज मैं आपके साथ बोलता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई गैस रियल हो या आइडियल हो, अगर आप आइडियल वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे तो बहुत ज्यादा एरर नहीं होती, मुश्किल से 1 या 2% एरर चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आइडियल पीवी इक्वल टू एनआरटी निकाल के किसी का मोलर वॉल्यूम 22.4 निकाल दिया, कितना निकाल दिया 22.4, तो रियल लगाते या उस गैस की प्रॉपर्टी पर लगाते हैं उस पॉइंट पे, तो 22.4 की जगह 22.43 हो जाएगा या 42 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ता है। यानी आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। तो इतनी कैलकुलेशंस के हाई लेवल की कैलकुलेशंस करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, और कैलकुलेटर हमारे एग्जाम में अलाउ नहीं है। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट पे अगर फर्क पड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे लिए। तो इसलिए रियल गैस के न्यूमेरिकल जनरली कम देखने को मिलते हैं, रियल गैस के सिर्फ हमारे को क्या है कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं, या हमारा आंसर उनके कॉफिशियंट के फॉर्म में ही छोड़ना पड़ता है। तो मुझे न्यूमेरिकल तो कभी देखने को नहीं मिला कि बताइए रियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा या प्रेशर क्या होगा या टेम्परेचर क्या होगा, कभी नहीं मिला मुझे, हमेशा सिर्फ उनके फॉर्मेट वाले क्वेश्चन मिले, यानी आपको आंसर लास्ट में ए और बी और उनके कांस्टेंट की फॉर्मेट में छोड़ना पड़ता है। ये चैप्टर की खास बात हो गई दूसरी, यानी आप इस चैप्टर को एज ए न्यूमेरिकल ना पढ़ के एज ए कंसेप्चुअल पढ़ते हो। पहली चीज, हर साल कंसेप्चुअल ही क्वेश्चन आ रहा है, भले आप देख लो। तो आपको क्या समझ में आया कि हमें इस चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ना है, न कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। दूसरी चीज, हमें यहाँ पर कर्व पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। तीसरा चीज, हमें वास्तव में समझना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो उसी को हमारे पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि ये साइंटिस्ट क्या सोच के ऐसा बोल रहा है। अगर आपने भी वो चीज़ समझ ली तो आप खुद भी कम साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे। तो हेडिंग डलेगा आपका, कौन सा हेडिंग डलेगा, रियल गैस, रियल गैस। कोई गैस रियल नहीं है या है इसका पता कैसे चलेगा, उसके लिए लिखेंगे हम, या वाई ए गैस इज रियल, एक लाइन में बोलना चाहता हूं मैं, लिखो इफ गैस नॉट फॉलोस आइडियल गैस इक्वेशंस, आइडियल गैस इक्वेशंस पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको फॉलो नहीं कर रही है, then it's called real gas,
रियल गैस। चलिए यहां से आपको आइडिया तो लग गया कि रियल गैस क्या है और आइडियल गैस क्या रहेगी, लेकिन फिर हमारी बात आ गई एक और पॉइंट पे। तो इसका मतलब हमारे पास एक हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी को जो फॉलो नहीं करे वो हमारे लिए क्या हो गया, रियल गैस। तो दूसरी बात हमारे पास आ गई, क्या गैसेस रियल होती है या आइडियल। ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में होगा कि गैसेस रियल होती है या आइडियल। सिंपल सी बात है, मैं आपको फिर बोल देता हूं, गैसेस ना रियल होती है ना आइडियल होती है। तो फिर क्या होती है, गैसेस गैस होती है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे वो आइडियल बन जाती है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे वो रियल बन जाती है। दैट द फर्स्ट पॉइंट। किसी के लिए वो रियल कंडीशन हो सकता है या आइडियल कंडीशन जल्दी आ जाती है, किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है आइडियल पे लाना। तो वो क्या मुश्किलें हैं, वो ही हमें इस चैप्टर में पूरा थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ना होता है कि क्या मुश्किलें हैं कि इसको लाना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चा है, इसको मैंने कह दिया बेटा कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और तुम इतनी मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो मेहनत करने लग जाता है, जल्दी आइडियल हो गया। कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ बेटा इतनी मेहनत करोगे, फिर नहीं कर रहा है, फिर उसकी मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, फ्रेंड कह रहे हैं, फिर उसके कुछ खुद को और कभी लगता है यार कि यार मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे आ रहा है। तो वैसे ही गैसेस में होता है, कुछ गैसेस बहुत जल्दी आइडियल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसी कंडीशंस गैसेस रूम टेम्परेचर पे भी आइडियल के काफी नजदीक है। 100% आइडियल की तो बात करते ही नहीं है हम, 99.99% भी अगर कोई आइडियल है तो इसको आइडियल बोल देता हूं मैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो हमारे लिए कोई भी गैस आइडियल नहीं है, रियल नहीं है, बस कंडीशन उसे आइडियल और रियल बनाती है। तो जब उसे कंडीशन बनाती है तो वो क्या कंडीशन है वो हमें पता लगाना है, वो भी इसी लेक्चर में। तो चलें दूसरा पॉइंट। तो इफ गैस नॉट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशंस देन इट्स कॉल्ड रियल गैस। तो अब हमारे पास गैस दो तरह की हो गई, पहला गैस आइडियल भी है और रियल भी है। और एक और चीज, ये कोई पर्टिकुलर गैस नहीं है, हर गैस हर अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, यहां पीवी इक्वल टू एनआरटी लग रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशन में, और ये पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लग के हमने एक करेक्शन फैक्टर ले लिया जेड एनआरटी। जेड हमारे लिए यहां पर एक करेक्शन फैक्टर का काम कर रहा है। तो ये हमारे, इसका नाम मैंने रखा कंप्रेशन फैक्टर, कंप्रेशन फैक्टर। मैंने इसको कांस्टेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये जनरली कांस्टेंट कभी भी बोला जाता है, जैसे आर को कांस्टेंट बोलते हैं तो वो पी वी टी पे डिपेंड नहीं करता, आर को बोलते हैं पी वी टी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जेड अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वॉल्यूम पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो जेड किस पे डिपेंड करता है, जेड बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पी वी टी पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है, तो इसलिए कांस्टेंट नहीं होके वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। डिपेंड ऑन, आप चाहो तो लिख सकते हो डिपेंड ऑन कंडीशंस। डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, बस इसी को हमें समझना है, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। तो सही है, जो हमारा पहला पॉइंट था वो हमेशा आप बना के चलो, गैसेस आर नॉट आइडियल और रियल, कंडीशंस मेक देम आइडियल एंड रियल। ये मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान से लिखेंगे, गैसेस आर नॉट आइडियल एंड रियल। कंडीशंस जनरेट और क्रिएट, आप कुछ भी लिख सकते हो, जनरेट द आइडियल एंड रियल नेचर, एंड रियल नेचर। तो आपने मेरे इस पॉइंट में क्या सीखा है, आइडियल और रियल सिर्फ एक गैस का नेचर है और कुछ भी नहीं। सही है, आइडियल और रियल गैस का नेचर है, मैं ही हूं, लेकिन मैं कभी अच्छा आदमी हो जाता हूं और कभी बुरा हो जाता हूं। ठीक है ना, तो जब किसी के लिए मैं अच्छा होता हूं तो वो कहता है यार कितना अच्छा आदमी है, और किसी के लिए बुरा हो जाता हूं यार बहुत खराब आदमी है। तो मैं क्या बुरा हूं या अच्छा हूं, नहीं हूं, मैं हूं, बस किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। वैसे ही गैस गैस है,
किसी कंडीशन में वो आइडियल की तरह ट्रीट कर रही है, किसी कंडीशन में रियल की तरह ट्रीट कर रही है. इज दैट क्लियर? अब आगे चलिए, ठीक है. तो हमने ये जेड को और अच्छे से समझना है. तो नेक्स्ट जेड, जेड है क्या? व्हाट इज जेड? क्या नाम में छुपा है सब कुछ? हमने बोल दिया जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, तो हमने इसका नाम क्यों रखा? समझ, कोई भी नाम होता है तो उसका नाम के पीछे लॉजिक भी तो होता है. तो वो लॉजिक क्या है, व्हाट इज जेड? कुल मिला के हमारे लिए यही आ रहा है, हेडिंग यही रहता है, व्हाट इज जेड. ये क्वेश्चन मेरा बना हुआ है. तो जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कि हमारे को बता रहा है कि किस तरह से कंप्रेसिबिलिटी हो रही है. लेकिन फिर भी मेरे को आपको इसको डिफाइन करना है कि कैसे इसको निकालेंगे. मान लीजिए मैंने यहां हीलियम गैस लिया. क्या लिया? हीलियम गैस. समझ में आ रहा है? और हीलियम गैस लेने के बाद मैंने यहां पर उसका 1 मोल रखा. 1 मोल का मतलब इस जगह 4 ग्राम यानी 4 ग्राम मैंने डाल के रख दिया. ग्राम से ही वेट करूंगा मैं, और कैसे पार्टिकल गिन के 6.023 तो रख नहीं रहा, 6.023 × 10^23 तो नहीं रख पा रहा. प्रेशर मैंने रखा एक्सटर्नल प्रेशर 180 और टेम्परेचर मैंने रखा 273. और मैंने मान लिया इसका वॉल्यूम जो आ रहा है 22.4, ये मेरे लिए आइडियल वॉल्यूम है. ये क्या है मेरे लिए? आइडियल वॉल्यूम. तो आइडियल वॉल्यूम में दो बातें मेरे पास और आ रही थी. एक, मैंने अलग गैस ली वापस, सेम कौन सी गैस ली मैंने? O2 गैस, और 1 मोल ले लिया. वही कंडीशंस, प्रेशर 180 और टेम्परेचर 273, सब चीजें मैंने वो रख ली है. वॉल्यूम मैंने अभी नहीं बताया क्या आ रहा है, प्रैक्टिकल करा उस समय वॉल्यूम. फिर मैंने लिया एक और गैस कोई भी, अमोनिया 1 मोल, प्रेशर 180, टेम्परेचर 273. यहां वॉल्यूम आ गया अमोनिया का, यहां वॉल्यूम आ गया O2 का. मैंने क्या देखा इस जगह कि जब O2 है उसका वॉल्यूम 22.4 नहीं ही आकर थोड़ा सा कम आ रहा था. कितना आ रहा था? 22.39. समझना बस, समझाने के लिए. और यहां मैंने देखा 22.35 आ रहा था, बस इतना सा फर्क पड़ रहा था इस कंडीशंस पे. तो क्या इसको मैंने आइडियल बोल दिया? इस जगह जो हीलियम है इसी को मैंने क्या बोल दिया? वी आइडियल. क्योंकि मुझे लगा कि ये आइडियल हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स है नहीं, तो इसका मतलब इसके आइडियल होने के ज्यादा चांसेस है इन दोनों के कंपेयर में. तो मैंने इसी को आइडियल बना दिया और इसको क्या मान लिया? रियल. रियल एग्जैक्ट ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, और एरर भी कितनी आ रही है? कम. आप देख सकते हो बहुत कम एरर आ रही है. तो क्या ये हमारे लिए आइडियल का काम कर सकते हैं ये दोनों? नहीं. अब इनके लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है? इनके लिए वॉल्यूम ध्यान से सुनना, ये फॉलो करेगी पीवी इक्वल टू एनआरटी. नहीं, ये क्या फॉलो करेगी इसको थोड़ा और समझते हैं अपन. तो ये क्या फॉलो करेगी इसको समझो आप, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. जेड के लिए ये जो गैसेस हैं ये तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो कर रही है, ये किसको फॉलो करेगी? पीवी इक्वल टू Z1 nRT और पीवी इक्वल टू Z2 nRT. समझ में आ रहा है? पक्का? यहां अंतर आएगा, वी ओ टू लिखना पड़ेगा और ये वी NH3, क्योंकि बाकी सब चीजें सेम है. तो अब आप बताइए कि आपके लिए आइडियल गैस के लिए क्या था? आइडियल गैस के लिए वी आइडियल वॉल्यूम कितना था? जल्दी से बोलो. पी एनआरटी बाय पी. और रियल गैस के लिए क्या आ रहा है? वी रियल, कोई भी रियल गैस हो, जेड एन आर टी बाय पी. दो इक्वेशन आ गई आपके पास. आपने क्या करा? वी रियल अपॉन वी आइडियल कर दिया.
जब आपने ये ऐसा करा तो एनआरटी 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 पी कट गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड। पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताइए जेड की वैल्यू, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जेड हमारे लिए पहला चीज मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस हो गया, पहली फर्स्ट डेफिनेशन हो रही है, वो क्या आ रही है, जेड इज रेशियो ऑफ, इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस, गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड मोल, तीनों चीजें हमारे सेम है। समझ में आ रही है बात? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलना है कि इसको, चलिए ठीक है, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्यों बोल रहे हैं हम, व्हाई इट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो सेकेंड आंसर हो रहा है कि जनरली अगर आप क्या देखेंगे, जनरली जेड की वैल्यू क्या आ रही है, वी रियल अपॉन वी आइडियल, और ये वैल्यू आपको क्या दिख रही है, एक से कम। क्यों दिख रहा है, क्योंकि 22.39 और 22.35, तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक से कम ही दिख रहा है ना। तो जब आपको एक से कम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब गैसेस रियल की तरफ जाने पर कंप्रेस हो रही है या एक्सपांशन हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो बस जेड की वैल्यू एक से कम आ रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सो जेड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये एक छोटा सा हो गया पॉइंट कि हाँ हम इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जेड की वैल्यू हमारे को एक से कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही होती तो हम एक्सपांशन फैक्टर बोल रहे होते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, क्या जेड की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है, क्या कभी ये एक्सपांशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास और आ गए। जनरली क्यों लिखा आपने, ऑलवेज क्यों नहीं लिखा, तो इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और मिनट्स में। और दूसरा ये एक से कम क्यों आ रहा था, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो चलिए जेड के बारे में अगला क्वेश्चन, जेड के बारे में जो अगला पॉइंट आपके पास आ रहा है, आपने देखा जेड की वैल्यू अलग अलग सेम अगर टेम्परेचर प्रेशर रखें तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगी, समझ में आ रहा है। तो जेड की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी कि अलग अलग गैसेस हैं अलग अलग है। तो उससे पहले ये कि जेड की वैल्यू एक से कम क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि आइडियल गैस में हम मानते थे कि सारे गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं, ना दोस्ती ना दुश्मनी, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल कंडीशंस में नेचुरली गैसेस एक दूसरे को क्या करते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण जो वॉल्यूम आना चाहिए था वो काम आता है। तो यही हमारे पास आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझते हैं। यानी थर्ड पॉइंट हमारे पास जो बनकर आ रहा है वो ये आ रहा है, एट सेम कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस, सेम की जगह आप लिख लीजिए नॉर्मल कंडीशंस, एट नॉर्मल कंडीशंस, एट नॉर्मल कंडीशंस वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स सो दैट व्हाट, सो दैट वॉल्यूम बिकम डिक्रीजेस या वॉल्यूम बिकम लेस देन एक्सपेक्टेड, ये हमारे पास हो गया कि इसलिए कम हो रहा है। एंड एक और पॉइंट, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट
डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल, डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अगर डिफरेंट गैस डिफरेंट अट्रैक्शन रख रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, सो द वैल्यू ऑफ गैस जेड, सो द वैल्यू ऑफ जेड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैस. अब बड़ी चालाकी से मैंने यहां पर बहुत अच्छा सा बताया, आपने डिस्कस भी नहीं करा, ये तो समझ लिया कि इसका 22.4 हो रहा है. मैंने यहां पर रखा 22.39 और यहां रखा 22.35. यहां ज्यादा कम करने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था, क्योंकि ये जो अमोनिया गैस है इसमें पॉलरिटी ज्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा. अगर इसकी जगह कोई और गैस होती जैसे H2S, और ज्यादा पॉलरिटी होती, तो जितनी ज्यादा पॉलरिटी होती है मॉलिक्यूल में, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा होता है मोलर में, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा. बस इसीलिए मैंने हीलियम को आइडियल माना था, O2 को थोड़ा कम आइडियल, और इसको थोड़ा और कम आइडियल, और जैसे जैसे मैं और गैसेस लेता जाऊंगा, हेवी गैस लूंगा, पोलर गैस लूंगा, तो मेरे अट्रैक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा. तो अट्रैक्शन फोर्स किस बातों पर डिपेंड करता है, इसका आंसर आपको बॉन्डिंग से मिलेगा. अट्रैक्शन फोर्स इस बात पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, मोलर मास कितना है, और उसमें पॉलरिटी कितनी है, तो इन सब पर डिपेंड करेगा. फर्स्ट प्रायोरिटी इस जगह पॉलरिटी आ जाती है, समझ में आ रहा है. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि O2 का तो मोलर मास ज्यादा है और पॉलरिटी इसकी ज्यादा है, तो पॉलरिटी को देखना होगा, समझ में आ रहा है. तो यहां आपको पॉइंट दिमाग में रखना है कि अमोनिया का मैंने कम रखा है, तो ये लॉजिक मेरे दिमाग में था पहले से. तो ये चीज क्लियर हुई छोटी सी, बोलो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट्स. तो क्या ये डाटा जो मैंने समझाने के लिए दिया है आपको समझ में आ गया कि मैं क्या सोच के बना रहा हूं. अब आगे क्या हीलियम को भी आइडियल माना है, या आइडियल हीलियम वास्तव में आइडियल होती है, हमने माना है. अगर आप बहुत कम टेम्परेचर ले लेते, जैसे -200 ले लेते, तो दुनिया में सारी गैसेस में अट्रैक्शन आ जाता है इतने कम टेम्परेचर पे. तो जब आप इतना कम टेम्परेचर लोगे तो फिर तो कोई भी गैस आइडियल नहीं है, समझ में आ रहा है. तो जितना कम टेम्परेचर रखते जाओगे आप, गैसेस में आइडियल नेचर खत्म होता चला जाएगा, और वो किस तरफ जाएगी, रियल गैस की तरफ. तो सबसे ज्यादा आइडियल कौन होगी, जिसमें सबसे कम अट्रैक्शन हो. सबसे कम अट्रैक्शन किसमें, हीलियम में, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आती है, समझ में आ रहा है बात. तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए और अब समझना आना चाहिए कि हीलियम जैसी गैसेस हमारे लिए आइडियल हमने क्यों मानी है, क्योंकि सिंगल एटम गैस है, बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, तो अट्रैक्शन कहाँ से आएगा, बहुत कम रहेगा. तो ये आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझ लिया अच्छे से, क्यों मैंने इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोला. लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन है, क्या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है, हाँ हो सकती है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उस पर डिस्कस करना है हमें, ठीक है. तो देखिए हमारा वही पॉइंट है कि क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस कंडीशन पे जेड की वैल्यू उल्टा बढ़ जाएगी. तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अति हर जगह खराब होती है ना. तो फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि आपने गैसेस के मॉलिक्यूल है, एक ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल जो पॉलर है, उनको हमने थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाया, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ाया, क्या फील आएगा आप सोचो, उनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पास आ गए मॉलिक्यूल. फिर और बढ़ा दिया, मेरे को लगा लालच आ गया, और बढ़ गया, फिर और ज्यादा पास लिया, बढ़ गया, अब वो बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, अब मेरे में लालच हुआ कि अब और बढ़ा देते हैं, चलो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के अंदर ही घुसा देते हैं, क्या पॉसिबल है, नहीं. मॉलिक्यूल अब एक दूसरे के न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बस वहीं से हमारे लिए उल्टा अब रिपल्शन फोर्स चालू हो जाएगा, और वो रिपल्शन फोर्स उसके जेड की वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, मोर देन आइडियल कर देगा. तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जेड की वैल्यू को हम कंप्रेसिबिलिटी की जगह एक्सपांशन फैक्टर बोल सकते थे, लेकिन कब बोलते, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता. कितना ज्यादा होता, बहुत ज्यादा होता यार,
100 ATM, 200 ATM इस ऑर्डर में होते हैं ये फिर प्रेशर। तो क्या समझा आपने मेरे से? आपने मेरे से समझा कि हम जनरली इस प्रेशर पे काम करते हैं क्या? नहीं, हम तो 1 ATM पे करते हैं। तो 1 ATM पे तो जेड की वैल्यू क्या होगी? एक से कम होगी, और जब एक से कम होगी तो उसको क्या बोलना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या एक्सपांशन फैक्टर? कंप्रेसिव। हाँ, अगर हमारा नॉर्मल कंडीशन ही 100 ATM होती तो बोलते हम, अभी तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है ना। तो यही चीज आपके लिए बतानी पड़ेगी आपको, ये की पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी वेरी हाई, एक बार नहीं दो तीन बार लिख लो, वेरी वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल रिपेल टू ईच अदर, टू ईच अदर, सो हाई प्रेशर, सो दैट हाई, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ वी रियल इज मोर देन वी आइडियल। और दूसरा रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि जेड की वैल्यू इसीलिए आपके पास क्या होगी, मोर देन 1। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया बिना कोई थ्योरी के, आपने कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने वंडरवाल नहीं पढ़ा, आपने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने कंसेप्ट खुद से ही बना लिए। इतने तो क्या बना लिया कि हाई प्रेशर पे जेड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1, और लो प्रेशर पे क्या होगा, लेस देन 1, और लो प्रेशर पे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा और हाई प्रेशर पे रिपल्शन फोर्स। तो आपने कंसेप्ट जो बनाया बहुत अच्छा बनाया, कि भाई क्या बनाया आपने, ये जेड के बारे में जो बनाया है, वी रियल अपॉन वी आइडियल होता है आइडियल, और ये जो वैल्यू है ये गैस के नेचर पे और कंडीशन पे डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट आपने जो कंडीशन से, अगर गैस फिक्स रख दी जाए तो आपने क्या बनाया, लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर, लो प्रेशर पर आपके पास अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट डोमिनेट, और जब भी अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट होगा जेड की वैल्यू एक से कम होगी, हाई प्रेशर पे रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करेगा और जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। समझ गए? ये एक बेसिक सा हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। तो जो डाटास मैंने लिए हैं यहां पर, आप देख सकते हो कि जेड की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, कोई ज्यादा नहीं है, 0.0, यहां पर क्या होगी 0.99 या 0.95 इस ऑर्डर में होगी। तो जेड को ना लेने से न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कंसेप्चुअल तो फर्क पड़ेगा। तो हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि क्या हमें रियल को आगे कैसे लेके जाएं, रियल को आगे जैसे लेके जाएं, मतलब जेड को और कैसे निकालें, क्योंकि आपने तो बता दिया, आप मैंने जो बताया वो क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि जेड एक ऐसे फैक्टर है जो टेम्परेचर प्रेशर के भी साथ चेंज होगा और गैस के नेचर के साथ भी चेंज होगा। यानी ऑल मिला के पीवी इक्वल टू जेड एनआरटी आप गैस के लिए तो लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि उस कंडीशन पे जेड आपको डिफाइन हो, और हर एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे जेड को डिफाइन करना मुश्किल था। तो ये बात मैंने किससे शेयर करी, वांडरवाल से। वांडरवाल ने मेरी हेल्प करी, उसने कहा मैं एक ऐसी इक्वेशन बना देता हूं जिसमें ऐसे वेरिएबल आएंगे जो गैस के नेचर पे तो डिपेंड करेंगे, लेकिन अगर गैस फिक्स कर दी जाए तो टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, उस इक्वेशन में आने वाले पैरामीटर पे तो डिपेंड ना करें, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, और उन कांस्टेंट को हम बोलेंगे वांडरवाल कांस्टेंट, उस इक्वेशन को बोलेंगे हम वांडरवाल गैस इक्वेशंस। तो हेडिंग क्या डालेगा हमारा, वांडरवाल गैस इक्वेशंस। तो दिक्कत ये थी कि हमें अभी तक रियल गैस के लिए ऐसे इक्वेशन चाहिए थी जिसमें कॉन्स्टेंट आए लेकिन वो इक्वेशन के पैरामीटर पर डिपेंड ना करते हो। मैंने ये काम वांडरवाल को दिया और वांडरवाल ने अपने नाम से ही दे दी, बताओ, वांडर
वॉल रियल गैस इक्वेशंस, रियल के लिए लग रही है रियल गैस इक्वेशंस। उसने कहा कि भाई मैं इक्वेशन दे रहा हूँ जो रियल गैस के लिए भी लगेगी, रियल गैस के लिए ही लगेगी खेत देखा जाए तो। उसने क्या बोला, उसने कहा पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो हो गया आइडियल गैस इक्वेशंस जो सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगती है। लेकिन ये मैंने नहीं बताया, वांडरवाल ने साफ कह दिया ये तो बॉयस लो, चार्ल्स लो और उनके थ्रू कंबाइंड गैस लो इक्वेशंस बन के आ गई। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पी प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये है ऐसी इक्वेशंस जो आपके लिए यहां लगेगी। अब ये किसके लिए लगेगी, रियल गैस, ये रियल गैस के लिए होगी। भाई पी एन वी को देख के तो समझ में आता है, पी प्रेशर है, एन मोल है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है। ये ए और बी क्या है हमारे लिए, ए एंड बी आर वांडर वॉल गैस कांस्टेंट, वांडर वॉल गैस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, तो ये वांडर वॉल गैस कांस्टेंट हो गए आपके पास। अच्छा ए के बारे में क्या बता सकते हो आप, सबसे पहले वो हमें समझना है। दूसरा एक और कंडीशंस, अगर आपके पास यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 1, मान लो 1 है, तो आप v को पता है क्या नाम दोगे, v को वी एम मोलर वॉल्यूम, इसका नाम हो जाएगा मोलर वॉल्यूम, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, पी प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू 1 हो चुकी है, वी एम माइनस एन बी इक्वल टू आर टी। पूरी इक्वेशन में जहां जहां एन है वहां 1 रख दो और वी को वी एम से रिप्रेजेंट कर दो। ये हो गया आपके पास वांडरवाल गैस इक्वेशंस। देखिए ये जो वांडरवाल गैस इक्वेशंस का डेरिवेशन है ये कैसे आए, इसका आप अलग से देखिएगा एक वीडियो, फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं है उसकी, तो मैंने ये डायरेक्टली ले लिया। तो यहां तक क्लियर है, पी प्लस ए एन स्क्वायर। अब मुझे इसको समझाना है कि इसमें से क्वेश्चंस क्या बनेंगे और कैसे बनेंगे, ए क्या है, पी क्या है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ए अपने आप में दो पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, ए अपने आप में क्या बता रहा है, देखिए एक तो आ रहा है करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर इन प्रेशर, इन प्रेशर, करेक्शन फैक्टर इन प्रेशर क्या बता रहा है, समझना कि जो आपका प्रेशर पी है उसमें आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, तो वो जो ऐड करना पड़ेगा प्रेशर में उसको आप कैसे देखेंगे, प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये आपका करेक्शन रहेगा। ए यहां पर वांडरवाल गैस कांस्टेंट है और ये करेक्शन फैक्टर यही कहलाएगा, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो ए अपॉन वी एम स्क्वायर, ये करेक्शन फैक्टर है। और दूसरा हमारे पास करेक्शन फैक्टर इन प्रेशर या करेक्शन फैक्टर, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इन वॉल्यूम माइनस एन बी, माइनस एन बी यानी इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो कुछ चेंज हुआ है, आपको आपका जो रियल वॉल्यूम है उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा तब जाके आपको आइडियल आएगा, पक्का। तो ये करेक्शन फैक्टर है वॉल्यूम में माइनस एन बी और प्रेशर में ए अपॉन वीएम स्क्वायर। चलिए ये दोनों करेक्शन है। अब बात आती है
सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी को कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो हेडिंग डाल लीजिए ए और बी, यहां से आपके पास कॉन्सेप्ट्स बनने लगेगा ए एंड बी। इसको समझना है तो हेडिंग क्या डालेगा, सिग्निफिकेंस ए। सबसे पहले तो आप बताइए यूनिट ऑफ ए क्या है, ये सब आने वाले क्वेश्चन से या आ चुके क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आप जानते हो कैसे निकालने के लिए होगा, इसके लिए p प्लस एन स्क्वायर बाय वी, ये करेक्शन था। तो ए की यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम लीटर पर मोल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो बताइए यहां पर वी स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, एटीएम लीटर स्क्वायर 10। देखो ये तो आपने पढ़ लिया कि हाँ ये है। दूसरा पॉइंट सिग्निफिकेंस ऑफ ए, मैं सीधा सीधा ए करेक्शन फैक्टर है रिलेटेड टू प्रेशर, तो ये लाइन लिख लीजिएगा ए इज करेक्शन करेक्शन फैक्टर, एक तरह से वो तो चल ही रहा है, रिलेटेड टू प्रेशर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास क्या रहेगा, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस ए ए प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल। और बिटवीन मॉलिक्यूल मतलब का इसका मतलब क्या हो रहा है, मोर पॉलर गैसेस हैव मोर वैल्यू ऑफ ए। फाइनल पॉइंट, मोर पोलर गैस हैव हाई वैल्यू ऑफ ऑफ ए, मोर पोलर गैस हैव हाई वैल्यू ऑफ ए। ये हमारे पास ए के लिए हो गया। तो अगर मैं सिंपल सिंपल सा बात करूं, हीलियम और हाइड्रोजन में किसके लिए ज्यादा होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि दो एटम में पोलरिटी कुछ तो ज्यादा होगी। दूसरा अमोनिया और O2 में किसकी ज्यादा होगी, ज्यादा एटम है नहीं, पोलरिटी अमोनिया, अमोनिया लेना है तो ज्यादा होगी पोलरिटी, O2 क्या है नॉन पोलर है। तीसरा एग्जांपल सी, O2 और N2 दोनों ही नॉन पोलर है, तो जब दोनों ही नॉन पोलर हो तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसके लिए ज्यादा होगी। फोर्थ अगर हम और एग्जाम्पल है, फोर्थ कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप इससे मिलता जुलता, जैसे मैंने ले लिया इस जगह कोई भी पॉलर गैस ले लिया H2S और H2O, कौन ज्यादा होगा H2S और H2O, H2O क्योंकि इसमें पोलरिटी ज्यादा है। आप मोलर मास नहीं देखेंगे यहाँ, क्या देखेंगे पोलरिटी, इतनी ज्यादा है कि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा बॉन्ड बन जाता है। तो बस यही हमें देखना है उस कंडीशन में जब ये गैसेस रहती है तब कंपेयर कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे तो कर ही नहीं सकते। तो ये आपके पास हुआ ए की वैल्यू, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई गैसेस में ए कंपेयर करना है तो पोलरिटी पे जाओ, और सिग्निफिकेंस ऑफ बी, सिग्निफिकेंस ऑफ बी यूनिट क्या होगी बी की, जल्दी से बताओ। बी को बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा वी माइनस एन बी वी बी था, या सुनो तो बी की यूनिट क्या बनेगी, लीटर पर मोल, ये हमारे पास यूनिट होगा बी। और बी किस में शो कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर बी के बारे में आप कोई पॉइंट लिखना चाहते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पॉइंट वाइज थ्योरी लिखना चाह रहे हो तो इसके लिए एक ही पॉइंट लिखो, बी कहीं ना कहीं बी इज रिलेटेड टू करेक्शन फैक्टर ऑफ वॉल्यूम, यानी बी कहीं ना कहीं, दूसरा पॉइंट हो गया
बी रिलेटेड साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अगर बी आपका रिलेटेड आ रहा है साइज, तो बिग साइज है, बिग वैल्यू ऑफ बी, बिग साइज ऑफ मॉलिक्यूल शो हाई वैल्यू ऑफ बी, हाई वैल्यू ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी एच फोर और एन एच थ्री में देखने की कोशिश करेंगे, तो किसके लिए ज्यादा होगा? बी, इसके लिए ज्यादा होगा, क्योंकि सी एच फोर में ज्यादा एटम है, पक्का। मोर एटम, मोर बिग साइज भी बोल सकते हो आप। सेकेंड, अगर आपके पास आ रहा है, मैं आपसे सिंपल से बात कर रहा हूँ, ओ टू और एन टू, तो बी किसके लिए ज्यादा होगा? जल्दी से बोलो, एन टू के लिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटी होती है पीरियोडिक टेबल में, तो एन टू के लिए छोटा होगा। ओ टू के लिए नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने पे छोटी हो रही है, तो एन टू के लिए बड़ा होगा, ठीक है, सही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटी हो रही है, यानी एन टू मॉलिक्यूल बड़ा है। नेक्स्ट, डी की बात करते हैं हम, लेकिन हो ये रहा है कि एटम की साइज छोटी हो रही है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, जिससे वह साइज क्या हो जाएगी, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पास आ जाएगा, तो इसको आप छोटा ही रखें ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। एटम की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। थर्ड, अगर हम बात करें यहां पर कोई और गैसेस के लिए ले लेते हैं हम, हीलियम और H2, कौन बड़ा होगा? H2, H2 के लिए B की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं साइज का फैक्टर हमारे पास ये आ रहा है, बोलो यस और नो। A का फैक्टर भी ये आ रहा था। अब दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं कि क्या हमने ए और बी के लिए बता दिया, हाँ। ए बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये एक और तपस्या हो गई हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, बी के लिए निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, तो हेडिंग डलेगा कैलकुलेशंस ऑफ बी, हमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल आते ही हमारे लिए क्या हो जाएगी, ऐसी कैलकुलेशन आ जाएगी जो कैलकुलेटर से ही हो पा रही है। वैल्यू ऑफ बी, इसी के अंदर वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा, 4 × 4/3 πr³ na। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो यहां पर आपके पास r आ रहा है, वो क्या आ रहा है, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल आएगा आपके पास। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आगे। मैंने यही बताया आपको, बी की जो वैल्यू है, बी वो आपको वांडरवाल गैस कांस्टेंट जो बी है उसको वैल्यू निकाल सकते हो, एक ही नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन तो मालूम है, एक बी की वैल्यू रख के एक की वैल्यू निकाल लेना, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आप मेरे तरीके से सिर्फ ऑर्डर पे कंपेयर कर सकते हो, किसके लिए बी ज्यादा है, किसके लिए सॉरी किसके लिए ए ज्यादा है, किसके लिए बी ए कम है। लेकिन अगर वैल्यू निकालनी है आपको, तो पहले आप बी निकालोगे और वांडरवाल गैस इक्वेशन में रखकर क्या निकालोगे, ए निकालोगे, ठीक है। तो बी निकालने का तो मेथड ये हो गया। तो बी को याद कैसे करा मैंने, मैंने ऐसे याद करा, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, सिंगल मॉलिक्यूल का 4 × 3 πr³, तो उसका एक मोल वॉल्यूम कितना होगा, एक मोल मॉलिक्यूल का एने। और वांडरवाल का ये कहना था कि जो मॉलिक्यूल रहता है वो अपने से स्पेरिकल होने की वजह से अपने से 4 गुना वॉल्यूम झेलता है, 4 गुना, कोई 3 माने कोई 10 माने, वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसने प्रैक्टिकल कुछ तो सोच के बोला होगा, तो उसने 4 टाइम्स लिया है और 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 टाइम्स मॉलिक्यूल वो ऑक्यूपाइड कर रहा है अपने एग्जैक्ट वॉल्यूम से, ये एजम्पशन मान के उसने करा है, और अपने लिए बी निकाला, ए आप वहां से निकाल लेना। तो याद रखना, अगर किसी का रेडियस आपको दिया हुआ है, जैसे नैनोमीटर पिकोमीटर किसी में भी दे दिया, तो आप वॉल्यूम किस में निकालने की कोशिश करते हो, लीटर में, तो इसका मतलब आर किस में रखोगे, डेसीमीटर में, आर को डेसीमीटर में रखना, एक मॉलिक्यूल का निकाल लेना 4 × 3 πr³ करके, फिर एनए से करना और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना, बी आ गया, फिर पी वी टी में दे ही दूंगा आपको, पी वी टी दे दूंगा, ए की वैल्यू वो पूरी की पूरी वांडरवाल गैस इक्वेशंस का यूज करते हुए आप निकाल लोगे। लेकिन आप सोचो, क्या ये कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के इतनी आसान होगी? नहीं होगी, इसलिए इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी, इनमें किसका ए ज्यादा है, किसका बी ज्यादा है, खत्म, और कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। तो ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया, आ गई बात।